कंप्रेसर का ना अभी पाइपलाइन खोल रहे हैं। एक कंप्रेसर का वी टाइप ही कंप्रेसर है, पूरा टाटा पुराने वाली इंजन का वी टाइप की कंप्रेसर है। और ऊपर वाला खोल चुके हैं, इसको खोल चुके हैं, फिर ये खोल रहे हैं। अभी खोलने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑयल से लुब्रिकेशन होता है गियर को और इसके क्रैंक को। इसके बाद ये 13 वाला बोल्ट है ना, ये नट, ये 13 वाला बोल्ट 4 है। इसमें चारों खोलने के बाद फिर कंप्रेसर बाहर आएगा। कंप्रेसर बाहर आने के बाद चेक करते हैं, देखेंगे कहाँ से ऑयल लीकिंग कर रहा है। ये इनलेट से जो एयर बार प्रेशर आता है ना, इन होता है प्रेशर, वो वाला पाइप खोल रहे हैं। इनलेट से जो प्रेशर इन होता है, सो वाला पाइप ये है ना, इनलेट से पाइप जो आता है वो खोलिए। देखिए अभी 13 का सॉकेट से अभी इसको खोल रहे हैं नट को। पहले नीचे वाला पहले खोलो ना, ऊपर वाला नहीं खोला। नीचे का बोल्ट है ना, बिल्कुल नीचे अंदर में है। ये नट खुल रहा है नीचे वाली, अंदर वाली पहले नट खोल लेंगे। चार होते हैं जो 1 से 1.5 इंच का नट होता है, पहले नीचे वाला खोल लेंगे, इसके बाद ऊपर वाला खोलेंगे कंप्रेसर का नट। इसमें ना अगर आपको प्रेशर 4 से ऊपर नहीं बना रहा है और इक्वलाइजर किट सही है, एसपी वॉल किट भी सही है और 4 से प्रेशर ऊपर नहीं बना रहा है, तो हम इसमें हेड खोल के ना हेड का किट डालते हैं। जो पत्ती पूरा पतली पतली पत्ती आता है 5-6, वो पत्ती डालना पड़ता है इसमें, वो प्रॉब्लम होता है। इतना ही बड़ा पूरा नट होंगे इसमें 4 के 4। अब ये खोलने वाला है ऊपर वाली नट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नट लग गया यहाँ पे, ये ऊपर वाला नट। अभी ज़्यादा टाइट करने से भी नट टूट जाता है अंदर में ही, फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा समझ के टाइट करना है, ज़्यादा लूज भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं। फिर अगर नट ज़्यादा टाइट करने से टूट भी जाता है। चारों के चारों नट खोल चुके हैं, ऑयल वाली पाइप का खोल देंगे। 17 के स्पिनर से लग रहा है, तो बेंजो नट होता है, इसको खोल देंगे। जो कंप्रेसर को लुब्रिकेट करने के लिए जाता है ना, ऑयल का ऑयल जाता है, ये ऑयल जाता है कहाँ से, छोटी वाली इंटरकूलर नहीं है, छोटी वाली इंटरकूलर है, वहाँ से ऑयल आता है इसके अंदर। बासर को सबसे ध्यान में रखते हुए ना, नट और बासर दोनों खुलने वाला ही है, इसको निकाल रहे हैं हल्का हल्का। कंप्रेसर को ना सबसे पहले यहाँ से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, ये टक से निकल जाता है ये, ठीक है। जैसे इसे इस रोड लगा के हल्का इसे किया, ये थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है। के बाद नीचे से ना हल्का ऊपर उठाओ, ठीक है। थोड़ा सा बाहर आया, बंदा ही करेगा, ये पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अभी से क्या करना है, हल्का बाहर करके नीचे से निकलेगा इसको ना, ये आ गया यहाँ से बाहर। इसके बाद इसको ये साइलेंसर से ना उठाते हुए इसको बाहर ले लेंगे। उठाओ हल्का, हाँ ये
बाहर ले लेंगे, ऊपर इंजन के ऊपर। एक कंप्रेसर आ गया बाहर, इधर से ऑयल लीक कर रहा था, और साथ में ना ये टर्बो चार्जर का ऊपर से ना ये जो पेस्ट लगा हुआ है इधर से भी ऑयल नीचे गिर रहा है, ये पूरी तरह से गीला गीला हो रहा था। इसको भी थोड़ा सा खोल कर इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये ना यहाँ से लीक कर रहा था तो इसको साफ सफाई किए हैं, पाइप भी साफ सफाई किए हैं, ये सब साफ सफाई किए हैं। ऊपर से कंप्रेसर लीक था, इसे सब साफ सफाई किए हैं। इन्हें बोन ब्रश बनाना है, उसके बाद कंप्रेसर लगा के चेक करते हैं। गैसकेट तो है नहीं, इन्हें बोन लगा कर ये फिक्स करेंगे कंप्रेसर को। एयर एक कंप्रेसर को अच्छा सा साफ सफाई कर लेना है। साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे सिल्का जेल लगाना है, या एना बॉन्ड या सिल्का जेल कुछ भी हो। सिल्का जेल लगाने से ये होता है कि मेटल टू मेटल अच्छा से चिपक जाता है। बाकी एना बॉन्ड भी लगा सकते हैं, और साथ में इधर भी हाउसिंग के पास भी सिल्का जेल लगाना है या एना बॉन्ड लगा देना है। ज़्यादा नहीं, एना बॉन्ड ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा सिल्का जेल लगाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद फिर कंप्रेसर को हाउसिंग में लगाएंगे, इसके बाद देखते हैं ऑयल लीक करता है कि नहीं करता। बाकी सील तो कटा हुआ है नहीं, सील कटा रहने से ना कंप्रेसर का, यहाँ पे कंप्रेसर का सील रहता है अंदर में, अगर ये कटा रहने से फिर इसे को खोल के गियर बाहर निकालने के बाद फिर सील डालते हैं। कटा हुआ पता चल नहीं रहा इसे। ये ऐसे लगाते हुए अभी बैठा नहीं है, इसको हल्का कंप्रेस करना नीचे से, ऐसे ना रोड लगा के हल्का ऊपर नीचे करके इसको पहले बैठाना है, ठीक है। अगर ये दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा नीचे से उठाकर हल्का सा ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए इसको बैठाना है, बैठाने के बाद अभी नट से धीरे धीरे टाइट करेंगे। नट से धीरे धीरे टाइट करने के बाद ना फिर ये बैठ जाएगा, फिर पूरा एक्सरसाइज लगा कर फिर आपको बताते हैं। नट को ना क्रॉस में टाइट करना है, एक ऊपर हमने टाइट कर दिया इसको, ठीक है। अब ये नीचे में क्रॉस में टाइट करना है, नीचे में है थोड़ा सा आराम से टाइट करना है, ओके ठीक है। इसके बाद ये नट है, इसको भी हमने डाल के भी टाइट कर दिया। अभी अभी यहाँ पे एक नट है, ठीक है, इसको भी लगाना है। तेरे से सॉकेट और रेजिट के थ्रू, तेरे का सॉकेट होगा एक्सटेंशन रॉड लेके रेजिट के थ्रू टाइट करना है सब पूरे नट को, ठीक है ना। इसके बाद सारा शाम पहले टाइट कर लेते हैं, अब टाइट करने के बाद आपको बताते हैं फिर, ओके। कंप्रेसर का ना ये चारों नट, ये नट और इधर का नट, ये चारों नट को टाइट कर चुके हैं। ये वाला नट, ये नट को, ये नट जिसको भी टाइट कर चुके हैं, अभी नीचे वाला भी टाइट कर चुके हैं। अभी ये 17 का ब्रिंज जो यूनियन लगता है यहाँ पे टाइट करते बताते हैं ठीक है ना। पूरा नट को टाइट कर चुके हैं, और ये एयर कंप्रेसर वाला था ना, ये एयर कंप्रेसर की जो हॉट एयर को हॉट करता है एयर ड्राई के लिए, एयर ड्राई से भी इक्वलाइजर में जाता है, इसको अभी टाइट करेंगे दोनों को। ये दोनों को टाइट करके, टाइट करने के बाद फिर ये हाउसिंग लगाएंगे। ये हाउसिंग लगाएंगे,
हाउसिंग लगा देंगे। ये दोनों हाउसिंग लग चुका है अभी। ये तेरा कनाट को 27 वाली ना, इनको फिर टाइट कर देंगे पूरी तरह से दोनों को। इधर वाला भी है 27 का, 27 का टाइट कर देंगे पूरी तरह से। टाइट करने के बाद अगर ये लूज रहता है ना तो प्रेशर वहां बनाएगा नहीं, यहीं से लीक कर जाता है। टाइम हो चुका है और इसको ये कर देंगे, बैठा देना है इनलेट का, एयर इनलेट हाउस को, और ये दोनों इनलेट एयर इनलेट हाउस को बैठा देना, ठीक है। इसके बाद गाड़ी को चार्ज करके पीछे